नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। आज रात से तूफानी बारिश शुरू हो रही है। बंगाल की खाड़ी में दो सिस्टम विकसित हो गए हैं, जिसके चलते भारत के अलग अलग राज्यों में मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है। दरअसल पहले ही ईयान तूफान दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आ गया है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम और बन गया है। दो चक्रवाती तूफान आज रात तबाही करने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सीधा असर छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों इसका असर 5 अक्टूबर को सबसे ज्यादा और भयानक मध्य प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, वहीं दोस्तों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया है। इन राज्य में सीधा असर देखने को मिल सकता है और भयंकर दोस्तों हवाएं चलेंगी, तेज रफ्तार से बारिश भी हो सकती है, कहीं कहीं पर जबरदस्त वज्रपात भी देखने को मिल सकता है। इस समय दोस्तों सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। दोस्तों यूपी के अंदर गंगा यमुना नदी उफान पर चल रही है, उधर दिल्ली के अंदर यमुना नदी उफान पर चल रही है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कई दिन से मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं। उधर छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर दोस्तों कई दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, वहां भी हालात बेकाबू हैं और अब फिर से जबरदस्त बारिश होगी। मौसम विभाग ने दोस्तों दशहरे के पर्व पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आप सभी से विनती है कि भूल कर भी भारी बारिश के चलते बाहर न निकले, नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि नदी नालों में डूबने की वजह से और भयंकर वज्रपात होने की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के कई जिलों में खतरनाक बारिश भी हो सकती है। वहीं पिछले कुछ दिन से लगातार भूस्खलन की घटना सामने आ रही है, सैकड़ों घर गिर गए हैं, दीवारें गिरने की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इसलिए विनती है कि जर्जर घर के अंदर ना रहें, सावधान रहें। और आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।